वेलकम टू ऐशाज़ किचन। कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राई ग्रीन चिकन। चले अब हम पहला स्टेप हमारा शुरू करते हैं। हमने एक मीडियम साइज प्याज ली है, उसको मोटा मोटा हमने चॉप कर लिया है और हमने एक कप कोथमीर के पीसेस लिए है, हमने एक कप, और हमने तीन हरी मिर्ची के पीसेस लिए है और थोड़ी से करी पत्ता लीव्स लिए है और हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी इसमें डालेंगे। हमने 12 पीस बादाम लिया है और 12 पीस काजू के लिए है। अब हम इन सबको अपने ग्राइंडर में पहले इनका पेस्ट बना लेंगे। चलो वह हम इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। अभी चले हम दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने 1 किलो चिकन लिया है, उसको अच्छे से हमने धो के रख लिया है और हमने यहाँ पर वो पेस्ट जो हमने ग्राइंडर में पीस के इसका पेस्ट बनाकर हमने रख लिया है। और हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और मैं 1 टेबलस्पून क्रीम ले रही हूँ। आप क्रीम की जगह मलाई भी यूज़ कर सकती है। और हमने आधा नींबू का रस भी ले लिया है अपने। और हम हमारे स्पाइसेस में हमने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है और 1 टीस्पून हमने नमक लिया है और 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है और 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है और हमने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है और मैं 1 टीस्पून चिकन मसाला ले रही हूँ। चिकन मसाला आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। चलो अब हम पहले मैरिनेट कर लेंगे हमारे चिकन को। ये सब चीज़ें इसमें हम डालेंगे। पहले हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर अब हम इसमें डाल देंगे लेमन जूस और अब हम इसमें डाल देंगे सारे हमारे स्पाइसेस। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो पेस्ट हमने बनाया था ना, उसका मसालों का वो पेस्ट हम डाल देंगे और हमने जो तेल था हमारा वो भी डाल देंगे हम इसको, और जो हमारा क्रीम है वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त बनती है ये रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी होती है हमारी ये रेसिपी, ये डिश। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से मसाले इसमें मिक्स कर दिए। अब हम इसको 1 घंटा अच्छे से रेस्ट करने रख देंगे ताकि हमारे चिकन में मसाले अच्छी तरीके से घुस जाए। अब हम इसको थोड़ा सा ढाप के 1 घंटे के लिए रख देंगे। चलो अब हमारा 1 घंटा हो गया है, हमारे चिकन में हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। अब हमारा तीसरा स्टेप शुरू करेंगे। चलो हमने एक पैन लिया है, उसमें हमने तेल डाल दिया है। ऑलरेडी हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें से चिकन के 1-1 पीस लेंगे और हम इसमें फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे चिकन अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इसको निकाल लेंगे। इतना अच्छा सा कलर भी आ गया है चिकन से, तो हम ऐसे ही पूरे जितने भी चिकन के पीसेज हैं उनको फ्राई कर लेंगे। देखिए हमने सारे चिकन के पीस को फ्राई कर लिए। अब हम 4th स्टेप शुरू करेंगे। ये देखिए हम वही तेल में हमारा जो बाकी का उसका मसाला था उसको डालिए। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए हमने मसाला भी अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें हमारा जो फ्राई करा हुआ चिकन है उसको भी इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये डिश बहुत डिलीशियस भी बनती है, बहुत टेस्टी भी होती है। पहले हम इसे हमारा जो फ्राई करा चिकन है हम इसी में डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी चिकन तैयार हो गई है, कितनी ज़बरदस्त दिख रही है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे और गरम गरम सर्व करेंगे। आप इसको रोटी से या चावल से भी खा सकते हैं। चलो अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए हमारी चिकन रेसिपी तैयार हो गई है।
अब हम इसको गरम गरम सर्व करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चले अब हम मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।